भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी गढ़वाल आशीष भटगाई ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग सीएम घोषणाओं को गंभीरता से लेना सुनिश्चित करे। घोषणाओं से संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम घोषणाएं जनहित से जुड़ी हुई हैं, लिहाजा कामों में तेजी लाना सुनिश्चित करें। विकास भवन सभागार पौड़ी में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी श्री भटगाई ने मुख्यमंत्री घोषणाओं को शीर्ष प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा के दौरान बताया गया कि व्यास घाट से रिखड़ी खाल वीरो खाल मोटर मार्ग का सुंदरीकरण किए जाने तथा बोनसाल पुल निर्माण कार्य को सीएम घोषणाओं के तहत पूर्ण कर लिया गया है। वहीं पौड़ी बस अड्डे के निर्माण हेतु प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि द्वितीय चरण हेतु आवंटित धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को मार्च 2021 में अमुक्त कर दी गई है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद पौड़ी में कूड़ा निस्तारण हेतु कार्य योजना पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद पर्यावरण मूल्यांकन हेतु कार्यवाही गतिमान है। बताया गया कि जिला चिकित्सालय पौड़ी में चिकित्सकों के सरकारी आवासों का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। साथ ही पौड़ी के रांची स्टेडियम के विस्तारीकरण का कार्य भी सीएम घोषणाओं के तहत पूरा कर लिया गया है। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।